हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB एग्जाम 2019 के वेरियस पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम जितनी भी डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके सभी की पॉइंट हमने आपको यहाँ दिए हैं, जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, टायर वन एंड टायर टू स्कीम, बुक्स एंड पासिंग मार्क्स के बारे में, इन सभी टोटल वैकेंसीज की डिटेल के बारे में यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, ये वीडियो एंटरटेनमेंट वाला नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी। तो जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए वो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहां पर बंद कर सकता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं हम इस नोटिफिकेशन सेक्शन पे, क्योंकि सभी जानकारी हमको उसी जगह मिल जाएंगी। तो इसके लिए चलते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन पर। नोटिफिकेशन सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं, 31/1/2019 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 मार्च तक आप इन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि अभी तक आपने DSSB का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आई सेक्शन आपको जो ऊपर शो कर रहा है वहां पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे वो देख सकते हैं। यहां पर जो पोस्ट डिटेल है फ्रेंड्स उसके बारे में बात करते हैं, तो सीरियल नंबर आपको दिया गया है, पोस्ट कोड इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पर। तो आपने जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है उसकी पोस्ट कोड जरूर देख लीजिएगा, उसकी डिटेल्स के ही हम आगे बात यहां करेंगे। यहां पर वैकेंसीज आपको दी गई है, वैकेंसीज यहां पर कम है आपकी, जैसा कि कमेंट में कह रहे हैं कैंडिडेट्स कि यहां पर वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, अगर आप लाख वैकेंसी का वेट करना चाहते हैं तो करते रहिए, कोई समस्या इसमें नहीं है, क्योंकि लाख वो आनी नहीं है और आपकी फिर जॉब लगनी नहीं है। तो यहां पर जो भी है, आपको एक पोस्ट चाहिए तो एक पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा लाख वैकेंसी के इंतजार करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने अपनी बात जो है मेरी वो मैंने यहां पर आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, मतलब तैयारी करने के मूड से हर चीज का काम करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए वैकेंसी है, आराम से तैयारी इस चीज की करिए। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, आपको सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास 12वीं पास कम से कम होनी चाहिए, जो आपका LDC का एग्जाम है या फिर आपका स्टेनो का एग्जाम है। तो यहां पर देखिए, आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपको दी गई है, ये मिनिमम है, ये आपकी टाइपिंग आपके पास कम से कम होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आप छाटेंगे स्किल टेस्ट के बारे में, तो उस रिलेटेड आपके यहां पर स्किल टेस्ट बाद में होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम है कि किस बेस पर आपका एग्जाम होगा, तो 12th पास भर्ती आपकी रहेगी, तो 10th और 12th लेवल के बीच में आपका जो है पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, जो टायर वन के लिए जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम है वो ज्यादा हार्ड आपका नहीं रहेगा। तो यहां पर सभी डिटेल आपको मिल जाती हैं, तो अपनी क्वालिफिकेशन वाइज और उसके बाद यहां पर जो पोस्ट कोड है उसको आराम से देख लीजिएगा। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम होता है DSSB में वो टायर वन एंड टायर टू बेस पे आपका होता है। अब टायर वन एंड टायर टू में आपका आते क्या क्या चीज है, क्या क्या आपको जो है क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सभी के बारे में हम बात करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है, टायर टू एंड टायर वन के हिसाब से होगा। पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका यहां आएगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में आपको जो आसानी होती है उसमें आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो वन टायर के लिए यहां पर बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, वन टायर में भी आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दो पार्ट में बांटा गया है। तो सेक्शन बी उनके लिए है जो टेक्निकल भाग छाटेंगे, मीन्स टेक्निकल जो पोस्ट छाटेंगे उनके लिए ही भाग टू आएगा, सेक्शन बी आएगा। सेक्शन वन में क्या है, सेक्शन ए में क्या है, तो देखिए यहां पर आपके मेनली 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद आपकी रीजनिंग है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है। तो ये 5 पार्ट आपके रखे गए हैं। जनरल अवेयरनेस यहां पर क्यों रखा गया है, तो जनरल अवेयरनेस में आपकी सभी डिटेल आपकी यहां पूछी जाएंगी, करंट इवेंट्स आपके आ जाते हैं, जो कि करंट इवेंट जितने भी होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सभी आपके यहां आएंगे। यहां पर आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरीडे साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आएंगे। साथ में आपके जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे कि वो कहां पर है, या उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत बड़ा सेक्शन भी है, सबसे बड़ा इस सेक्शन में है, तो इसके लिए तैयारी आपको लगातार करते रहना होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है रीजनिंग का, तो इसके बारे में बात करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का मतलब है वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप दोनों ही, सभी तरह के क्वेश्चन आपके यहां आपके आ जाएंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। तो यहां पर देखिए आपके सभी सेक्शन जो आपके मैथ के हैं वो आपके यहां आएंगे। अब इसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू दो तरह की मैथ होती है, तो सेकंड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां नहीं आने वाले हैं। तो यहां पर जो पार्ट आएंगे वो सभी डिटेल आपको यहां शो की गई है, जिसमें आपके रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट मेंसुरेशन सीआईएसआई वर्क एंड टाइम और आपका जो टेबल एंड ग्राफ है और डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डीआई और टेबल एंड ग्राफ जो है इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आपका जो है ये सेक्शन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एलसीएम एससीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनमें ही कहीं इनको इंक्लूडिंग हो जाएगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड या सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके यहाँ आएंगे। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पार्ट है वो आपका बेसिकली सेम ही पार्ट होता है, सेम ही बस होता है, बस वो हिंदी में होता है, इसमें इंग्लिश में होता है, बस इतना फर्क आपका यहां रहेगा। इसमें आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मीन समानार्थक और विलोमार्थक शब्द से रिलेटेड, और उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें आपको एरर छांटना, वो सभी आपको सेम यहां रहेंगे। तो ये सेक्शन ए के रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक्स हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहां बता दिए हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य एग्जाम की तो वो ही इसमें इंक्लूडिंग हो जाएगी। टायर वन तो आपका यहां बता दिया है, टायर टू की अगर बात करें तो टायर टू का जो सिलेबस है वो भी आपका सेम रहेगा। तो यहां पर टायर वन तो जो है वो सेम रहेगा और टायर टू जो है वो भी सेम रहेगा टायर वन जैसा ही, बस होगा क्या यहां पर जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम है टायर टू के लिए वो टायर वन से थोड़ा हार्ड आपका हो जाएगा। और यहां पर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि थोड़े हाई लेवल के होंगे। इसके अलावा टायर टू में भी कुछ ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस यहां पर नहीं रखा गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके डिटेल पैटर्न के बारे में कि कैसे कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी मार्किंग रहेगी, तो उसके बारे में हम चलते हैं इसी नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर। यहां पर आपको इससे रिलेटेड सभी डिटेल मिल जाएंगी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको टायर एग्जाम दिए गए हैं और यहां पर आपको पोस्ट कोड दी गई है। तो देखिए 8 और 9 जो पोस्ट कोड है वो आपके एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए है। इसके लिए आपका 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और टोटल 200 नंबर का पेपर आपका यहां रहेगा। देखिए वहीं पर 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, साथ में 40 मार्क्स जो है हर एक सेक्शन के आपके रहेंगे, मतलब 40 की आपकी जीए रहेगी, 40 की आपकी रीजनिंग रहेगी, ऐसे 40-40 करके सभी 5 पार्ट रहेंगे, तो 200 नंबर का आपका पेपर यहां रहेगा। टेक्निकल वाले जितने भी हैं जो वन टायर के हैं उनके लिए टायर वन तो सेम है, सेक्शन ए सेम है, सेक्शन बी में उनके जो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट है क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पूछे जाएंगे। टू टायर में भी हम पहले बात कर चुके हैं, उसकी डिटेल आपको मार्किंग स्कीम यहां पर दी गई है, कितने का टायर वन होगा, कितने का टायर टू होगा, सभी डिटेल आपको यहां शो हो जाती है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहां पर नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, मींस 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी फ्रेंड्स आपके यहां रहेंगे, तो जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी पीएस 30% और एक्स सर्विसमैन को 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है। यहां पर ये मिनिमम है, सिलेक्शन नहीं होता, मिनिमम से आपको कट ऑफ जो जाएगी वो क्लियर करनी होगी, पर मिनिमम का मतलब होता है कि इतने तो कम से कम आपको लाने होंगे उस कट ऑफ की रेस में भागने के लिए। अब यहां पर बात करते हैं कितने टाइम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे टायर टू के लिए, तो 6 से 10 टाइम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एलडीसी स्टेनो के लिए आपका यहां पर स्किल टेस्ट होगा टायर वन के बाद में, तो यदि आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी आप करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप कर सकते हैं। अभी आपका सारा फोकस जो है होना चाहिए टायर वन कंप्लीट करने के लिए। टायर वन को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको कोई अलग से कोई चीज पढ़ने की या खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन है वो बुक्स का है। तो देखिए बुक्स बताने में मैं आपको क्यों थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि बुक्स यहां पर देखिए आपको पर्टिकुलर डीएसएसबी की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो डीएसएसबी की किरण प्रकाशन की बुक आती है, जिसमें आपको जो लास्ट ईयर एग्जाम्स है उनके सभी जितने भी टाइप के पेपर होते हैं डीएसएसबी के अंदर वो सभी आपको वहां मिल जाते हैं। तो 200 से और 200-250 के बीच में किताब आपकी रहती है किरण प्रकाशन की, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर आपके जो नजदीकी बुक स्टोर है वहां पर जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा किताब खरीदने से बेटर है आप जो है प्रैक्टिस सेट खरीदिए, प्रैक्टिस सेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसा चेंजेस यहां पर नहीं है इसके डिटेल सिलेबस में। तो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं या फिर आप देंगे उनमें सभी में सेम आपका टॉपिक रहेगा, टायर वन टायर टू दोनों के लिए सेम टॉपिक है, बस लेवल ऑफ एग्जाम लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये आपके थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं हर एग्जाम के लेवल के हिसाब से, हर एग्जाम की क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो
ये डिटेल जो होती है वो फ्रेंड्स आपको सभी नोटिफिकेशन में मिल जाती है। यहाँ पर कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया नहीं है, पर आपको ये डिटेल चाहिए थी वीडियो के माध्यम से, तो मैंने अब आपको ये प्रोवाइड करा दी है। यहाँ पर जितनी भी डिटेल है वो सभी ठीक है और ज्यादा कोई ऐसा इसमें चेंजेस नहीं है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो एग्जाम डेट रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यहाँ पर आपको अभी एग्जाम डेट नहीं बताई है, पर इसका एग्जाम जो है इसमें कम से कम 3 या 4 महीने का टाइम आपका लगता है। पर कई बार होता क्या है कि 3-4 महीने से पहले भी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है तो जल्दी भी प्रोसेसिंग हो सकती है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और इसकी तैयारी लगातार आपको करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सभी डिटेल शॉर्ट में अवेलेबल कराने की कोशिश की है। ये वीडियो मैं एंटरटेनमेंट मानता हूं नहीं है, पर जिसको बोरिंग लगा है उसके लिए सॉरी, और जो पढ़ने आया है और जो कुछ समझना चाहता है वो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों साथ शेयर भी इसको कर दीजिएगा। और आपने फॉर्म फिल करने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से कहता हूं आई सेक्शन में जाकर आप उसको देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी सभी डिटेल पसंद आई होंगी और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज। और अधिक जानकारी, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और सभी डिटेल अपडेट पाने के लिए jobrasta.com पर जाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।